ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा की तरफ से जितना डराने और धमकाने की कोशिशें हुई कि किसी भी तरह से ईवीएम का विरोध बंद हो जाए, लेकिन इस चुनाव में यह विरोध बंद होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। दूसरे चरण के चुनाव में हमने आपको बताया था कि कैसे मणिपुर में ईवीएम के साथ तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन अब तीसरे चरण के चुनाव में ईवीएम में आग लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में क्या है पूरा मामला, उसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बलीरम। ईवीएम को लेकर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन लोगों के इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ईवीएम को लेकर विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि चुनावों के बीच जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चुनाव आयोग को चौंकाने वाली हैं, देश की आंख खोलने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में तीसरे चरण के चुनाव के बीच ईवीएम में ना सिर्फ आग लगाने की कोशिश की गई बल्कि सीधे आग लगा दी गई। पहले आप उस वीडियो को देखिए। तो देखा आपने, इस वीडियो को ट्वीट करते हुए पत्रकार सोहित मिश्रा ने लिखा कि महाराष्ट्र के माढ़ा लोकसभा क्षेत्र में एक शख्स ने ईवीएम मशीन को जलाने की कोशिश की। इसी वीडियो को निगार ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि ईवीएम के खिलाफ जनता का गुस्सा देखिए, महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने पोलिंग बूथ में घुसकर ईवीएम में आग लगा दी, इस गुस्से को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। मतलब महाराष्ट्र में एक आदमी पोलिंग बूथ पर जाता है और वहां पहुंचकर ईवीएम में आग लगा देता है। ये कोई छोटी मोटी या आम बात नहीं है, बल्कि ये बात दिखाता है कि कैसे लोगों के अंदर उस मशीन के खिलाफ गुस्सा है जिसके जरिए चुनावी परिणाम आते हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठेगा कि लोग बड़ी संख्या में एक मशीन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग इस मुद्दे पर चुप है और सुप्रीम कोर्ट खुले तौर पर ईवीएम पर रोक लगाने से इनकार कर रहा है। लेकिन लोकतंत्र में हर एक मत की अहमियत है, ऐसे में अगर लोगों का गुस्सा ईवीएम मशीन पर है तो फिर क्यों नहीं उस पर कोई सुनवाई की जा रही है, क्योंकि यह कोई छोटी घटना नहीं है कि पोलिंग बूथ में घुसकर कोई ईवीएम में आग लगा दे। महाराष्ट्र से निकलने के बाद आप मणिपुर चलिए, जहां दूसरे चरण के चुनाव में ईवीएम में तोड़फोड़ की गई थी। इंडिया टुडे की इस खबर को गौर से देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि मणिपुर के दो मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तोड़फोड़, कांग्रेस ने दोबारा मतदान की मांग की। मणिपुर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान हिंसा की खबर सामने आई, जब उपद्रवियों ने उखरूल में दो मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तोड़फोड़ की। राज्य की कांग्रेस इकाई ने प्रभावित स्टेशनों पर दोबारा मतदान कराने की मांग की है। तो तीन चरण के चुनाव में ही कहीं ईवीएम तोड़ी जा रही है तो कहीं ईवीएम में आग लगाई जा रही है, लेकिन इसके बाद भी पीएम मोदी ने एक टीवी इंटरव्यू में यह दावा कर रहे हैं कि अगर उन्होंने ईवीएम सेट कर लिया होता तो उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी टाइम्स नाउ की नविका कुमार और सुशांत सिन्हा को इंटरव्यू देते समय यह कह रहे थे। उनके कहने का मतलब था कि अगर ईवीएम सेट होती तो उन्हें चुनाव में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तीसरे चरण के चुनाव में ही पीएम मोदी ईवीएम पर आ गए तो ऐसे में भी लोग सोशल मीडिया पर यह लिख रहे हैं कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। तो महाराष्ट्र में ईवीएम में आग लगाने की कोशिश की खबर पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।